यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई लोग लास्ट वाली वीडियो में हम लोग गए थे फ्रैंकलिन की मदद करने, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन का एक्सीडेंट हो चुका था बहुत ही गंदा वाला। तो इस वजह से भाई फ्रैंकलिन की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, भाई फ्रैंकलिन की गाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था, तो इसलिए भाई फ्रैंकलिन की गाड़ी बंद हो गई थी। तो उसने हमको कॉल किया, तो हमको जाना पड़ा अपनी वर्ना को लेकर। अपनी वर्ना को लेकर पहुंच गया भाई सीधा वहां पे जहां पे फ्रैंकलिन का एक्सीडेंट हुआ था। भाई उसने गाड़ी को ना सीधा अंदर पानी में ही डाल दिया था, भाई बहुत ज्यादा अंदर चली गई थी उसकी गाड़ी। तो भाई मुझे लगा कि भाई हम लोग वर्ना से नहीं खींच पाएंगे रेंज रोवर को, लेकिन भाई वर्ना ने बहुत ही बढ़िया काम किया, भाई वरना ने रेंजर को बाहर निकाल लिया। गाड़ी को पानी में से बाहर निकालने के बाद मैंने सीधा ट्रक वाले को कॉल लगाया, क्योंकि भाई ऐसे खींच कर तो हम लोग नहीं ले जा सकते रेंज रोवर को। तो भाई हम लोगों ने सोचा कि भाई ट्रक बुला लेते हैं और ट्रक में गाड़ी को लोड करवा के सीधा ले जाएंगे भाई बैनी के गैराज में। तो मैंने उस ट्रक वाले को भी बोल दिया था कि भाई सीधा ले जाए बैनी के गैराज में और वहां जाके भाई गाड़ी को उतार दे, ठीक है, और बैनी अपने हिसाब से वो गाड़ी को देख लेगा। भाई बैनी को मैंने कॉल कर दिया था, तो भाई बैनी ने देख लिया गाड़ी को और आज फ्रैंकलिन को दे भी दिया होगा गाड़ी। लेकिन फिलहाल के लिए भाई अपने पास कोई भी गाड़ी बची नहीं है, ठीक है, वरना अपनी भाई सर्विसिंग में है, क्योंकि भाई उसने रेंज रोवर को खींचा था ना, तो थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था वरना को। तो भाई मैंने उसको सर्विस में डाल दिया है और भाई अपनी लैम्बोर्गिनी वहाँ पे पड़ी है जहाँ पे हम लोग गए थे रेंज रोवर की चोरी करने, ठीक है, दो रेंज रोवर चुरा के लाए थे भाई वहाँ पे पड़ी है बार की साइड। भाई मैंने उस गाड़ी को तो लॉक कर दिया था, लेकिन भाई अभी मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे गाड़ी लेना, ठीक है, अपने पास अभी कोई गाड़ी नहीं है। तो मैं इस घर वाले की गाड़ी लेकर निकल गया हूँ, मेरे को जरा भी आइडिया नहीं है भाई ये गाड़ी किसकी है, लेकिन भाई ये गाड़ी अपने बाजू वाले घर में पड़ी थी, तो मैंने सोचा भाई किसी की गाड़ी चुराना इससे बेहतर है भाई हम लोग बाजू वाले घर में से गाड़ी ले लेते हैं भाई, वहाँ पे इसको रख देंगे या फिर मैं तो वहीं पे रख के आ जाऊंगा भाई, अपना क्या लेना देना है इस गाड़ी से, वो बंदा तो ढूंढ लेगा भाई अपनी गाड़ी को, ठीक है, और हम लोग इस गाड़ी को छोड़ के आ जाएंगे और अपनी गाड़ी को लेकर आ जाएंगे, ठीक है, और इस गाड़ी को भाई मैं वहीं पे छोड़ के आ जाऊंगा। तो भाई जिसकी भी होगी ना वहीं से लेकर आ जाए अपनी गाड़ी, भाई हमको कुछ लेना देना है नहीं भाई, हमको तो हमारी गाड़ी की टेंशन है भाई, मेरी लैम्बोर्गिनी की टेंशन है मेरे को भाई, कोई बंदा चोरी ना कर गया हो, वैसे तो मैंने लॉक कर दिया था, लेकिन भाई पता नहीं आजकल की पब्लिक का भाई कुछ भी गाड़ी वाड़ी तो भाई चोरी कर लेते भाई बंदे, ठीक है। तो अभी भाई अपनी गाड़ी को भगाते हुए जाते हैं हमारी लैम्बोर्गिनी को लेने, क्योंकि भाई उसको ले बिना तो कुछ काम होने नहीं वाला भाई, ये गाड़ी को वहीं पे पटक के आ जाएंगे और हमारी गाड़ी को लेकर आ जाएंगे भाई। हमारी कार को हमने जहाँ पे रखा था ना ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुंचने वाले हम लोग, तो फटाफट अभी चलते और वहाँ से गाड़ी को उठाते हैं, ठीक है, और हमको एक और जगह पे जाना है हमारी रोल्स रॉयस को लेने भाई, हम लोगों ने लेकर ना यहाँ से चोरी कर रखे थे सीधा हमारे सेफ हाउस पर, तो अभी वहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा भाई, कंटेनर भी वहाँ पे और कंटेनर पर गाड़ी अभी पड़ी हुई है, ठीक है, ओके। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी लैम्बोर्गिनी के पास, अभी यहाँ से अपनी गाड़ी को उठाते हैं और चलते फटाफट सीधा अपने सेफ हाउस में भाई, वहाँ पे जाके ना हमको दो रोल्स रॉयस उठानी है, तो अभी हमको जाना पड़ेगा सीधा हमारे सेफ हाउस में भाई, वहाँ पे पीछे की साइड हमारी दो रोल्स रॉयस पड़ी है, तो उनको लेकर जाना पड़ेगा सीधा शोरूम पर भाई, वहाँ पे जाके ना हमको दो गाड़ियों को रखनी है शोरूम के अंदर। हमने दो रोल्स रॉयस तो चुरा ली, लेकिन भाई इसको अभी बेचना पड़ेगा ना हमको भाई, इसको सेल करना पड़ेगा, इसलिए हमको लेके जाना पड़ेगा भाई दो रोल्स रॉयस को अपने शोरूम पर, ठीक है। हम लोगों ने डॉन की गाड़ी चुराई थी ना भाई, दो रोल्स रॉयस जहाँ से चुराई थी भाई वो डॉन की कार थी, ठीक है भाई, लोकल डॉन था भाई यहाँ का लॉस सेंटोस का, तो भाई हम लोगों ने उसकी कार को चुरा लिया था, तो भाई पता नहीं भाई इसके बंदे पीछे ना पड़ जाए, बस मेरे को यही टेंशन है भाई, अगर वो अपनी गाड़ी को पहचान करना तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है, और अगर हमारे पीछे पड़ गए ना भाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई, अपनी गाड़ी को पहचानने नहीं चाहिए, तो मेरे को भाई आराम से लेके जाना पड़ेगा शोरूम तक, क्योंकि भाई उसके बंदे कहीं भी घूम रहे होंगे। और हम लोगों ने भाई डॉन की गाड़ी को चुरा लिया है, ठीक है भाई, डॉन के दो रोल्स रॉयस चुरा लिया, तो भाई थोड़ा बहुत तो रिस्क होगा भाई उसकी कार को बाहर निकालने में, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम लोग इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है। मुझे भाई सिर्फ एक ही बात की टेंशन है कि भाई अगर वो डॉन ने पहचान लिया ना कि किसने गाड़ी को चुराया था, ठीक है, तो भाई वो हमारे पीछे पड़ जाएगा हाथ धो के और वो हमको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, तो भाई उसको पता नहीं लगना चाहिए। वैसे तो मैं उनके सारे बंदों को मार के आ गया था, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते, फिर भी भाई पता नहीं कोई बंदा बच गया हो या फिर भाई जिंदा बच गया हो, तो भाई वो बंदा कह सकता है डॉन को, तो भाई हमारा नाम आएगा ना बीच में, तो भाई सीधा माइकल के घर पे आ जाएंगे, ठीक है बंदे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे। ऑलमोस्ट अभी मैं पहुंचने वाला हूं भाई हमारे सेफ हाउस पर, तो फटाफट चलता हूं और वहां से दो रोल्स रॉयस को उठाते हैं, ठीक है, और एक बार चेक भी कर लेना पड़ेगा भाई हमको रोल्स रॉयस को भाई सही सलामत है कि नहीं है, तो फटाफट पहुंचता हूं मैं, ऑलमोस्ट डन ही है भाई, पहुंच चुके हैं, यहां से राइट लेना है। अभी कोई बंदा गाड़ी लेके भाग गया किसी लड़की की को, जाने दो भाई उसको, अभी उसका टाइम नहीं है अपने पास। अभी फटाफट यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करते और चलते पीछे की तरफ भाई, ट्रक देखते हैं भाई ट्रक पड़ा है कि नहीं पड़ा है भाई, उसमें रोल्स रॉयस है कि नहीं है। तो देखो गाइस, हम लोगों ने भाई डीलरशिप तो ले लिया था, ठीक है, रोल्स रॉयस का, लेकिन हमारे पास उसमें रखने के लिए कोई भी कार नहीं थी, तो हम लोगों को मजबूरी में चोरी करनी पड़ी, क्योंकि भाई हम लोगों ने डीलरशिप खरीदा ना तो भाई हमारे पैसे ना सारे खत्म हो चुके थे, ठीक है, ऑलमोस्ट भाई सारे खत्म हो चुके थे, तो भाई मेरे को नहीं लग रहा था कि भाई इतने में हम लोग रोल्स रॉयस को खरीद पाएंगे, तो इसलिए भाई मैंने सोचा कि भाई थोड़ी सी चोरी कर लेते हैं भाई, दो तीन गाड़ियों की चोरी कर लेते भाई, दो गाड़ी हमारे हाथ में लग चुकी थी, ठीक है, रोल्स रॉयस की, तो भाई बहुत ही बढ़िया बात हो गई थी, हमारा काम आसान हो गया, तो अभी फिलहाल के लिए भाई दो गाड़ियाँ इनफ है हमारे लिए, ठीक है, अभी के लिए तो फिलहाल के लिए भाई हम लोगों ने दो गाड़ी चुरा ली है, तो भाई हमारा काम तो निकल जाएगा, ठीक है, अभी दो गाड़ियों से काम हो जाएगा भाई, शोरूम में रखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फिलहाल के लिए मैं भाई दो गाड़ियों से काम चला लूंगा, अभी शोरूम में रखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो भाई ये दो गाड़ियों को ना हम लोग शोरूम में रख देंगे और अपना काम हो जाएगा भाई, थोड़ा बहुत पैसा आने दो फिर हम लोग थोड़ी बहुत गाड़ियाँ खरीद लेंगे, ठीक है, रोल्स रॉयस की हम लोगों ने डीलरशिप लिया है तो भाई गाड़ियाँ तो लानी बनती है, तो भाई फटाफट यहाँ से ट्रक निकालता हूँ मैं भाई, बहुत ही मुश्किल पड़ रही है मेरे को यहाँ से ट्रक निकालने, भाई बहुत ही कम जगह है यहाँ से ट्रक निकालने के, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम लोगों ने निकाल लिया जैसे तैसे करके भाई, थोड़ा बहुत ठूक भी गया मेरा ट्रक, तो कोई नहीं भाई, अपना तो है नहीं, तो
अपने को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ियां है पीछे तो भाई उनको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी इस ट्रक को भाई आराम से लेके जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हाईवे पे तो मैं आराम से चला लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी भाई यहाँ पे हाईवे पे चलाने के लिए। लेकिन भाई मैं जैसे ही सिटी में एंटर होगा ना, तो भाई वहाँ पे चलाने में मेरे को बहुत ही दिक्कत होने वाली है इस ट्रक को, क्योंकि इस ट्रक की साइज ना बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा ट्रक है और ऊपर से भाई इसमें दो गाड़ियाँ लोड भी है, तो भाई ट्रक ज़्यादा स्पीड में नहीं चलने वाला। तो अच्छी बात है भाई, ट्रक को ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि भाई ज़्यादा स्पीड में चलाऊंगा ना तो भाई पीछे से गाड़ियाँ निकल जाएगी और कहीं पे भाई ठुक गई ना ट्रक तो भाई बहुत ही दिक्कत देने वाली है भाई, ठीक है। तो अभी आराम आराम से लेकर जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे भी पुलिस, भाई हर जगह पुलिस, में स्टार्टिंग में निकला था तब भी पुलिस थी भाई, यहाँ पे भी पुलिस है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, पुलिस वाले अपना काम करते रहेंगे भाई, किसी ने चोरी वोरी कर ली होगी भाई, कुछ गाड़ी वाड़ी लेके भाग गया होगा तो भाई उसके पीछे पड़ी होगी पुलिस। अभी हम लोग अपना काम करते हैं भाई, इन दोनों गाड़ियों को शोरूम में रखना है भाई, वही फोकस करना पड़ेगा अभी फटाफट। मैं सिटी में तो आ चुका हूँ भाई, मेरे को बहुत ही दिक्कत आई है, ठीक है, ट्रक को चलाने में सिटी में, क्योंकि गाइस सिटी में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, तो भाई सही से ट्रक चल नहीं पाता, क्योंकि ट्रक की साइज़ बहुत बड़ी है और ऊपर से पीछे भाई दो गाड़ियाँ भी लोड है, तो भाई आराम आराम से चला कर लेके आया हूँ भाई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ना मेरे को लेट हो चुका है भाई ट्रक को लाने में, तो भाई फटाफट अभी जाता हूँ मैं सीधा शोरूम पास। इस ट्रक की साइज़ ना कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, ठीक है, तो भाई इसलिए ना रास्ते छोटे पड़ते हैं सिटी के, तो भाई बहुत ही दिक्कत हुई है मेरे को यहाँ तक लाने के लिए। लेकिन जैसे तैसे करके भाई मैं आराम आराम से चला करना यहाँ पर लेकर आया हूँ इस ट्रक को। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं भाई, बस आगे जाना है, बस ये रहा अपना राइट में शोरूम है, लेकिन हमको ट्रक को पीछे से लेकर जाना पड़ेगा पार्किंग तरफ से, क्योंकि भाई हम लोग इस ट्रक को यहाँ पे नहीं रख सकते भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑलरेडी ट्रैफिक है, हम लोग यहाँ पे ट्रक को रखेंगे ना तो भाई फिर से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, तो भाई हमको पीछे पार्किंग में से लेकर जाना पड़ेगा ट्रक को भाई, यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना भाई, ये बंदे ना आगे से हट ही नहीं रहे भाई, सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, इनके चक्कर में भाई मेरे को भी रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी फटाफट चलता हूँ मैं पीछे से, अपने ट्रक को ले जाना पड़ेगा भाई, पीछे पार्किंग में पार्क करना पड़ेगा और वहीं पे गाड़ियों को उतारना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी फटाफट से चलते हैं, मेरे को लगता नहीं है भाई पार्किंग में घुसेगा ये, जैसे तैसे करके भाई हमको इस ट्रक को अंदर ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं उतार सकते इन गाड़ियों को। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ भाई इस ट्रक को अंदर ले जाने की, देखते भाई अंदर जाता है कि नहीं जाता भाई, थोड़ी बहुत जाली वाली टूटने वाली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारी ही जाली है, हमारा ही पार्किंग है, ठीक है, पूरा शोरूम हमारा है, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, जैसे तैसे करके मैंने इसको अंदर तो ले लिया है। तो अभी फटाफट इस ट्रक में से उतरता हूँ और इन गाड़ियों को भी उतारता हूँ, ठीक है, और इन गाड़ियों को हम लोगों को अंदर रखने जाना पड़ेगा शोरूम के अंदर भाई, यहाँ पे बाहर नहीं रख सकते भाई, पता नहीं कोई बंदा ले जाए तो, कोई ना, अभी फटाफट इन गाड़ियों को नीचे उतारता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन गाड़ियों को नीचे उतार लिया है भाई, बड़े आराम से इन गाड़ियों को नीचे उतारा है, क्योंकि जरा सा भी स्क्रैच आ जाता ना गाड़ी पे तो भाई लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है, वापस से मेरे को रिपेयर करानी पड़ती इन गाड़ियों को, लेकिन भाई मैंने उतारा है इतना आराम से ना, तो भाई जरा भी स्क्रैच व्रैच आया नहीं है इन गाड़ियों पर, ठीक है, जरा भी डेंट वेंट नहीं पड़ा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अभी फटाफट से लेके चलते हैं इन गाड़ियों को भाई, और जाकर ना अंदर शोरूम के रख देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बाहर नहीं रख सकते भाई, बाहर ना सिटी में बहुत ज़्यादा चोर वगैरह घूमते रहते हैं, तो भाई पता चला कि भाई वो बंदे ना अपनी गाड़ी को ले गए, ठीक है, तो अभी मैं इस व्हाइट वाली रोल्स रॉयस को सबसे पहले अंदर लेकर जाऊंगा, आराम से लेकर जाना पड़ेगा इन गाड़ियों को, ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत है नहीं भाई, हमारे पास टाइम है अभी फिलहाल के लिए, तो अभी आराम से भाई इस गाड़ियों को अंदर रखते हैं और मस्त सेट कर देते हैं, ताकि भाई बंदे को पता चले कि भाई रोल्स रॉयस का नया शोरूम खुला है, तो भाई बंदे खरीदने वरीदने आए, ठीक है, गाड़ियों को, तो हमारी गाड़ियां बिकना स्टार्ट हो। तो अभी फटाफट यहाँ से मैं अंदर लेता हूँ अपनी गाड़ी को, अभी खुल क्यों नहीं रहा, अच्छा थोड़ा सा पीछे लिया ना, इसके बाद खुला भाई, ठीक है, बढ़िया है, यहाँ से मेरे को संभाल के लेकर जाना पड़ेगा अंदर की तरफ, क्योंकि भाई कहीं पे भी टच हो गई ना तो भाई बहुत बड़े स्क्रैच हो जाएंगे, ठीक है, और हमको ये स्क्रैच नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए भाई, अपने पास इतने पैसे हैं नहीं कि भाई रोल्स रॉयस की सर्विस करा सके। फाइनली हम लोग इस गाड़ी को अंदर लेकर आ गए भाई, आराम से भाई इसको रख देंगे भाई, ठीक है, पार्क कर दूंगा अभी यहाँ पे मैं, और मैं अपने मैनेजर से भी बात करूंगा, लेकिन वो बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए, वो ब्लैक वाली रोल्स रॉयस को अंदर लेकर आते हैं, मैनेजर से हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फटाफट से चलता हूं मैं उस रोल्स रॉयस को लेकर आता हूं, ठीक है, दूसरी वाली जो बाहर पड़ी है ना उसको भी अंदर लेकर आते हैं और भाई आराम से उसको पार्क कर देते हैं, अभी ये खुले तो भाई मैं बाहर की तरफ जाऊं, हमारा ट्रक भाई यहीं पे रखते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ जो ट्रक पड़ा हुआ है ना कंटेनर टाइप भाई, उसको यहीं पे रखते हैं भाई, फिलहाल के इस ट्रक को यहीं पे रखते हैं भाई, हमको पता नहीं है ये ट्रक किसका है भाई, ड्राइवर लेकर आया था तो भाई ड्राइवर को पता होगा किसका ट्रक है, तो अभी इसको यहीं पे रखते हैं भाई, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो बंदे को बोल देगा भाई यहाँ से ट्रक ले जाएगा, या तो फिर ड्राइवर भाई अपना ट्रक आकर ले जाएगा, ठीक है, जिस भी बंदे के पास से लाएगा ना उसको जाकर दे देगा यहाँ से लेकर, ठीक है। तो अभी भाई इस कार को भी आराम से अंदर लेकर जाना पड़ेगा भाई, बहुत ही सही इंटीरियर लग रहा है, ठीक है, रोल्स रॉयस का भाई, इसलिए तो लग्जरी कार बोलते हैं रोल्स रॉयस को, बहुत ही सही कार है रोल्स रॉयस, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फटाफट आराम से भाई इस कार को अंदर रख, और ये रास्ते में भाई जाली कहाँ से आ गई, खैर छोड़ो जाने दो भाई इस जाली को भाई, अभी ये फटाफट गेट खुल चुका है, तो हम लोग इस गाड़ी को अंदर लेकर जाते हैं भाई, आराम आराम से जाकर ले जाएंगे अभी यहाँ से, इस गाड़ी को आराम से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्क्रैच लग गया ना गाड़ी पे तो बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है, और भाई इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो ठीक है, तो अभी फटाफट से अंदर तो आ गया हूं मैं भाई, आराम से इसको पार्क कर देते हैं बाजू में, इस गाड़ी के व्हाइट गाड़ी जो खड़ी है ना उसके बाजू में पार्क कर देता हूं, और मैं चलता हूं बाहर की तरफ भाई, बाहर जाकर देखते कैसी लग रही है हमारी दो रोल्स रॉयस, अभी यहां पर इस गाड़ी को मैं सेट कर देता हूं आराम से, और भाई चलते हम लोग बाहर की तरफ, बाहर जाके देखते हैं, ठीक,
ठीक है। अभी हम लोग ये दो रोल्स रॉयस भाई लेकर तो आ गए, लेकिन भाई इसमें बेचने का भी कुछ करना पड़ेगा भाई, ये अगर नहीं बिकना तो दिक्कत देने वाली है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी भाई मैंने दोनों गाड़ियों को सेट कर दिया, भाई मैनेजर अपना देख लेगा भाई, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ बाहर फटाफट से, इन दोनों गाड़ियों को बेचने का कुछ करना पड़ेगा भाई। ये दो गाड़ियाँ बिकना स्टार्ट हो गई ना तो भाई हमारे पास थोड़े बहुत पैसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, वो भी देख लेंगे। ओके तो गाइस हम लोग रोल्स रॉयस को बेचने की बातें कर रहे थे भाई, इतने मेरे को एक बंदे का कॉल आता है भाई, बंदा बोल रहा है कि उसको रोल्स रॉयस चाहिए, ठीक है, ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस चाहिए। तो भाई अपने पास भाई ब्लैक और व्हाइट दोनों पड़ी है, बंदे को भाई ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस चाहिए, तो भाई हम लोग उसको जाकर दे आएंगे भाई। मैंने बोल दिया कि भाई हमारे पास ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस है। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रोल्स रॉयस की डिलीवरी देने जाएंगे। तो ठीक है भाई, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।